माइक पे लगाना है इसको। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है? अभी ठीक होनी चाहिए। हेलो 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 हेलो, आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम सॉर्टेड। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम सॉर्टेड। चलिए, ऐसे ही सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होती जाएंगी धीरे धीरे। कॉकरोच की प्रॉब्लम भी अभी सॉर्ट करेंगे हम लोग। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा आप बताओ, और बताओ, अब बताओ और बताओ कैसा है आज? यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा फ्यूल, टीचर्स फ्यूल, टीचर्स फ्यूल है ना। चेयर्स विद एवरीबडी। हाँ, तो आज तुम लिखोगे और मैं समझाऊंगी, ज़्यादा देख के लग नहीं रहा, बिकॉज ये ओवर द ईयर ट्रेनिंग ऐसी हो गई, बीमार लगते तभी शक्ल पे दिखता नहीं कि बीमार है। हाँ चलो शुरू करें फिर। महाराष्ट्र से हो यार, वेरी गुड वेरी गुड। लव फ्रॉम दिल्ली टू एवरीबॉडी। एंड चलिए शुरू करते हैं। गरिमा, ज्योतिका, प्रिंस, नवनीत, दीप्रा, मंजूरी, हासिम, नवनीत। अच्छा कर्नाटक, अच्छा खुद नाम लिखना शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। हाँ स्माइल स्माइल तो करते रहो यार, पता ना तुम्हें ऐसे केमिकल्स वो सिक्रीट होते रहते हैं दिमाग में। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुश हो, बहुत खुश हो, इसलिए स्माइल मोर, खुश स्माइल करते रहना चाहिए। चलो यार स्टार्ट करते हैं। चलो अभी बहुत टाइम हो गया, टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो अटेंडेंस लगा रही है ना सबने? हाँ, डोपामिन डोपामिन। हाँ तो अटेंडेंस लगा रही सबने, और इतनी कम अटेंडेंस कैसे है यार? ये अटेंडेंस है आपकी, पता है ना, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे ऐसे लगती है, इस छोटे से प्यारे से लाइक पे बटन पे क्लिक करके अटेंडेंस लग जाती है। ठीक चलो तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच। ये चैप्टर पूरा का पूरा ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर की खास बात ये है कि इसके सारे पोर्शन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। देर आर सिलेक्टेड पोर्शंस जिसमें से कि आपको नीट में से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो कल भी हमने यही डिस्कस किया है, आज भी हम यही डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसमें आपने क्वेश्चंस को, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बिकॉज क्लास में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, दैट्स वाई वहाँ पे करेंगे। ठीक है, डन हो गया बेटा। सो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच गाइज, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर टूडेज लेक्चर। तो बेटा कौन कौन नया है हमारे क्लास के लिए, जो जो नए बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हर रोज़ यहाँ 8:30 बजे बेटा आपकी क्लास होती है जूलॉजी की।
ठीक है, और ये चलते रहेगी जब तक आपका नीट है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको आपने जरूर जो है वो क्लिक कर लेना है एंड देन यू विल रीच। अच्छा, वी क्विज जो है बेटा आपका वेदांतु का क्विज, आप डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर है आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इस पर आप क्लिक करिए, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड दैट विंडो और वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है क्विज वो दे सकते हैं। ठीक है, डन हो गया बेटा। नीट 2022 का क्रैश कोर्स, इसके बारे में मेरा मैंने आपको जो है वो लॉन्च कर दिया है, राइट। और इसमें लॉन्च, मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी आपको इसके बारे में, जो कि आपको 10,000 की जो क्रैश कोर्स अभी मिल रहा है बेटा आपको, वो 8,100 रुपीज में आपको मिल रहा है, लाइव क्रैश कोर्स है। तो जिस बच्चे की भी ना काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं मुझे, अभी भी इंस्टा पे काफ़ी मैसेज पड़े हैं बेटा, आई एम सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज लेटली आई बीन सो बिजी, है ना, वेव पे बहुत ज़्यादा सेशंस हो गए हैं, सो इस वजह से थोड़ा बिजी रहते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। तो उन बच्चों को मैं एक नॉर्मल यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ कि ये तुम्हारा लास्ट शॉट है, ठीक है ना। तो मतलब इट इज़ लाइक अ ब्रह्मास्त्र, तो अगर अपने आप को थोड़ा बहुत भी चांस देना चाहते हो तो जाके इस क्रैश कोर्स में तुम बैठ सकते हो, बाकी इच्छा तुम्हारी है, ठीक है ना, इच्छा तो तुम्हारी ही है। तो ये आपको लाइव क्रैश कोर्स है, ये इसके फीचर्स हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सुबह वाली वीडियो में तुम देखना, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसको, ठीक है। सो ये है बेटा, आप देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल से बैच शुरू हो रहा है 6 जून से, ठीक है ना। मैम का कोड है MS Pro, अप्लाई करते हो तो आपको 2000 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर हमारा, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो आगे जाने से पहले बेटा दो चीज़ें हैं हमारे पास, जो कि एज अ बायोलॉजी एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो आप MBBS करने जा रहे हो, आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा पता होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट? द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी होता है द एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी एंड एनाटॉमी होता है इंटरनल पार्ट्स की स्टडी। ये डिफरेंस है इन दोनों में बड़ा। सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी करेंगे कॉकरोच की और एनाटॉमी करेंगे फिर उसके बाद कॉकरोच की। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे, आई रिमेंबर जब मैं क्लास में पढ़ाया करती थी तो मुझे पूछते थे कि हम कॉकरोच क्यों पढ़ें कॉकरोच हम लोग। सो एक सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि वी आर स्टडिंग द एवोल्यूशन, राइट। सो हम लोगों ने कोई इनवर्टिब्रेट्स को पिक किया है और हम उनको स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन स्टडी द एवोल्यूशन। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे में से क्यों, हाँ सीरियसली क्यों पढ़े हम लोग, है ना। सो यू शुड बी थैंकिंग द NTA फॉर दैट तुम्हारा वो अर्थवॉर्म और फ्रॉग को हटा दिया गया है, सो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। सो एक कोई रखा है दैट इज कॉकरोच। दो तीन चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं ह्यूमंस में और हमारे में कॉकरोचेस में, आज आपको याद रखनी है। चलो यार, तो लेट अस एक्सप्लोर, अभी एक्सप्लोर करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। सो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, सबसे पहले लेट्स कम ऑन द मॉर्फोलॉजी। मुझे ना इसकी जरूरत नहीं रहेगी। आपके पास सबके पास पेन कॉपी है ना सबके पास में? पेन कॉपी जरूर होना चाहिए और अपनी NCERT खुली रखना। कुछ चीज़ें हम लोग डायग्राम में ही लिखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो जब तक ये ओपन होता है दैट व्हाट इज द क्लास ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच किस क्लास को बिलोंग करता है? व्हाट इज द क्लास ऑफ द कॉकरोच? शाबाश, चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट से। कॉकरोच की क्लास क्या है? मैं आर्थ्रोपोडा लिखा, मैं छांटे लगा दूंगी तुम्हारे को। है तुम लोग सुधरोगे नहीं है। इंसेक्टा, अरे आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्या ना, क्या बोला? हाँ, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब कि 6 फीट 6 फीट, ठीक है ना। फैमिली बेला, हाँ, कीप पॉट्स क्लीन, फैमिली गेट सिक, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर है इसका ब्लैटी, आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, ब्लैटीडिया, ठीक है ना। ब्लैटीडिया इज द ऑर्डर, फैमिली इज ब्लैटीडी, राइट। देन उसके बाद में जीनस,
पेरीप्लानिटा एंड स्पीशीज अमेरिकाना. तो जो जो आपके लिए ज़रूरी है, खैर फैमिली और आपके लिए ऑर्डर इतना ज़रूरी नहीं है, सो आप इसके बारे में इसकी क्लासिफिकेशन ज़रूर याद करेंगे बेटा. द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉकरोच आपने ज़रूर याद करनी है बच्चा. आई थिंक इस पे भी एक बार क्वेश्चन था, बिकॉज ये रिलेट करता है आपके दो चैप्टर्स को, दैट इज योर एनिमल किंगडम. ठीक है, सो आपका किंगडम तो रहने देते हैं, पता ही है आपको वो है एनिमिलिया है. फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा, ठीक है. आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट्स, पॉड मीन्स फीट. ठीक है, देन फाइलम, देन आपके पास उसके बाद आता है आपका क्लास. क्लास है आपका, डोंट टेल मी यार, ऐसे मत करना भाई. वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड. हाँ, क्लास क्या है बेटा? क्लास है हमारी इंसेक्टा. क्या खास बात है इंसेक्टा की? इंसेक्टा की क्या खास बात है? है ना, जीनस है आपका, जीनस है आपका पेरीप्लानिटा. पेरीप्लानिटा एंड स्पीशीज क्या है? व्हाट इज द स्पीशीज? अमेरिकाना. अमेरिकाना, राइट? ठीक है, हाँ. नहीं लिखा किसी ने भी इंसेक्टा. क्लास इंसेक्टा का क्या है? द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट क्लास. ठीक है ना, सबसे बड़ी क्लास है, राइट? अच्छा, एनीवेज, तो वैसे तो ऐसा माना जाता है बेटा कि कॉकरोच के नाम में अमेरिकाना लिखा हुआ है, तो बहुत लोगों को लगता है कि अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ है, बट इसका ओरिजिन जो है वो स्पैनिश है. स्पेन में सबसे पहली बार इसको देखा गया था, फिर ऑलमोस्ट सब जगह पे. पेरीप्लानिटा मतलब द ऑन द होल प्लैनेट. सो कॉकरोच इज फाउंड ऑन द होल प्लैनेट बेसिकली, राइट? एनीवेज, तो ये इसकी हो गई क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें हैं जो कि बड़ी बेसिक सी हैं, तो मैं यहाँ पे टिक करते जाऊँगी कि हर जगह मिलता है. इट इज नॉक्टर्नल, रात को ही मिलेगा. ओमनीवोर्स है, सब कुछ खा जाता है. एवरीथिंग इट ईट्स, हाँ, ठीक है ना. और डैम्प प्लेसेस पे मिलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. दैट इज बाई द नेम पेरीप्लानिटा अमेरिकाना, राइट? चलिए, दे हैव बिकम रेजिडेंट ह्यूमन होम्स एंड इसकी कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है. रादर इट इज अ वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस. बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस का ये वेक्टर है, ठीक है. चलिए, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन. फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इतना ही पोर्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे. सो मुझे फटाफट से आप बताओ बेटा, इज मेटामेरिज्म प्रेजेंट इन कॉकरोच और नॉट? कॉकरोच में मेटामेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है? टेल मी, टेल मी, टेल मी. शाबाश, शाबाश, शाबाश. हाँ, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है इसमें, कॉकरोच में, या नहीं प्रेजेंट है? यस, यस, वेरी मच यस. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. हाँ, बॉडी किसमें डिवाइडेड है? हेड में, थॉरिक्स में एंड एब्डोमेन में. नाउ लेट अस जस्ट राइट दैट. सो मॉर्फोलॉजी, अब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की. मॉर्फोलॉजी मैंने क्या है? स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा. तो इसकी, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, द हेड, द थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. है ना, हेड में है, थॉरिक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है. अब बात करते हैं सबसे पहले हेड की. तो हेड बेटा, बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि इट इज प्रेजेंट द राइट एंगल, है ना, राइट एंगल. यहां पे लिखा होगा कहीं पे, यहां पे नहीं लिखा है, यहां पे लिखा होगा. हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. तो हम एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, द वर्ड इज हाइपोग्नेथस. क्या करते हैं यूज? हाइपोग्नेथस, ठीक है ना. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, द हेड इज हाइपोग्नेथस, राइट? तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, हेड क्या है इसका बेटा? हेड इज हाइपोग्नेथस, राइट? हाइपोग्नेथस, ठीक है, डन. अच्छा, उसके बाद में हेड में और कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं? हेड में बहुत कुछ प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ एंटीना, देखते जाना. हाँ, पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, पेयर ऑफ एंटीना जो कि सेंसरी इन स्ट्रक्चर है. फिर कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, है ना, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है. सिंपल आइज भी प्रेजेंट है, है ना, सिंपल आइज भी प्रेजेंट है. चलो उसके बारे में बाद में लिखते हैं, बिकॉज उसका इतना रोल कम है इनमें, ठीक है ना. दैट इज वाई वी स्टडी कॉकरोच फर्स्ट, बिकॉज सिंपल आइज आर डेवलप्ड इन आस.
कंपाउंड आईज ये थी, कौन सा विजन देती है बेटा इसको, कंपाउंड आई कौन सा विजन देती है, यहां जरा इसमें लिख डालो, मोज़ेक विजन. क्या देती है? मोज़ेक विजन. कितने ओमेटीडिया होते हैं इसमें, इसी में लिख डालो, कम से कम 2000 ओमेटीडिया होते हैं इसमें, ओमेटीडिया होते हैं इसमें, आई थिंक डबल एम होता है ना, ओमेटीडिया होते हैं इसमें, मतलब कि 2000 हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं. मोज़ेक विजन क्या है? हर डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा. वो इस वजह से भी होता है क्योंकि हेड के कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा इसके, हेड इज मेड अप ऑफ सिक्स सेगमेंट्स है ना, फ्यूजन ऑफ द सिक्स सेगमेंट्स, ठीक है. हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं, एक यहां पे चीज लिख लीजिए, सिक्स सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, राइट. सिक्स सेगमेंट्स होते हैं फ्यूज्ड, एंड इट कैन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है ना, इधर भी इधर भी इधर भी घुमा लेता, तभी तो कॉकरोच को मारना इतना मुश्किल होता है. व्हाई? बिकॉज इट हेड इज लाइक हैविंग सिक्स सेगमेंट्स, लाइक यू नो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी देख सकता है, राइट. ठीक है, अच्छा चलिए. अच्छा अभी इसके बाद में बेटा कंपाउंड आइज हमने लिख लिया, अब इसके माउथ पार्ट्स का डिस्कस करते हैं. माउथ पार्ट्स बेटर होगा वैसे हम लोग माउथ पार्ट्स इसके डायग्राम से करें, क्योंकि वहां से डायग्राम से काफी कुछ देखने को मिलेगा, बट एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं माउथ पार्ट्स में क्या क्या होता है. हाइपोफेरिक्स द टंग लाइक स्ट्रक्चर्स, लेब्रम लेबियम, ठीक है ना, लेबियम होता है आपका लोअर लिप, लेब्रम होता है अपर लिप आपका, ठीक है ना. देन उसके बाद में मैंडिबल एंड मैक्सिला, राइट, समझ में आ गया. ये हम, ये सब हमें भी है, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग, ठीक है ना. हमें हाइपोफेरिक्स में, हमें प्रॉपर टंग है उनमें, इट वॉज डेवलपिंग, राइट. तो फटाफट से एक फटाफट से लिस्ट बनाओ कि क्या क्या है, आपको फटाफट से हाथों हाथ याद होना चाहिए कि इसमें बेटा है आपका लेबियम, लेब्रम, ये दोनों ही लिप्स हैं और एक एक हैं. देन उसके बाद में मैंडिबल, मैक्सिला, है ना, मैंडिबल होता है आपका लोअर जॉ होता है मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिला होता है अपर जॉ, ठीक है. एंड हाइपोफेरिक्स होता है, क्या होता है, हाइपोफेरिक्स होता है विच इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर. क्या है बेटा? द टंग लाइक स्ट्रक्चर, यही लिख लेना है, कभी क्या पता इसी पे क्वेश्चन आ जाए, टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. डन, डन हो गया बेटा. अब इसको जरा हम लोग डायग्राम से भी देख लेते हैं, क्या पता डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. तो हमने लिस्ट बना ली कि क्या क्या इसमें मेन मेन प्रेजेंट होता है. अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको. हाँ ये रहा, ये सब ने खोल के रखा है. यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट कराऊंगी जो आपने बहुत अच्छे से जो है उसको नोट करके रखना है बेटा. तो फटाफट से पहले देखते हैं, दिस इज बेटा लेब्रम, ये लेब्रम है, ये सारे माउथ पार्ट्स हैं आपके, दिस इज द माउथ पार्ट्स हैं, ये लेब्रम है आपका, लेबियम कहाँ गया भाई, हाँ ये लेबियम है, ये लेब्रम है, अपर लिप लोअर लिप, ठीक है. मैक्सिला, मैक्सिला कितने हैं, पेयर, मैक्सिला का क्या है बेटा, पेयर है. मैंडिबल, मैंडिबल पेयर, ठीक है. हाइपोफेरिक्स कितना है, एक, टंग लाइक स्ट्रक्चर. लेब्रम कितना है, एक. लेबियम कितना है, एक. मेरे को ना इसको देख के बताओ, लुक एट दिस पिक्चर, मुझे बताओ कि तुम्हें ना काइटिनियस, वो लिखा ही हुआ वैसे यहाँ पे, ग्राइंडिंग कौन से पार्ट से होगी, मैंडिबल से होगी या मैक्सिला से होगी, चलो शाबाश जल्दी से लिख के बताना, जल्दी से लिख के बताना. शाबाश शाबाश शाबाश, लिख के बताओ. किसे होगी, मैंडिबल से. द क्वेश्चन कैन कम अप फ्रॉम दिस पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो. हाँ तो कहां से आ सकता है क्वेश्चन, यहां से आ सकता है. आप देख रहे हैं यहां पर ग्राइंडिंग रीजन, दिस इज कहां प्रेजेंट है, मैंडिबल्स में. तो कटिंग करने के लिए जो पार्ट प्रेजेंट है ना बेटा, वो किस में प्रेजेंट है, मैंडिबल में, ये कटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है. ये हो गया हमारा ये वाला रीजन, डन. मैक्सिला पैर, मैंडिबल पैर, लेब्रम वन, लेबियम वन, हाइपोफेरिक्स भी वन, याद हो गया सबको, याद हो गया. कटिंग वाला पार्ट कौन सा है, कौन सा है कटिंग वाला पार्ट, मैंडिबल, दैट इज इट, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है. आओ यहाँ चलते हैं, कंपाउंड आई जिसमें होते हैं ओमेटीडिया, है ना, अभी अभी हमने किया. ओमेटीडिया कितने, मैंने आपको नंबर भी बता दिया, 2000. मैक्सिला मैंडिबल ये तो हो गया. ये ऑसिलस, सिंपल आई विच इज अंडर डेवलपमेंट, है ना. सिंपल आई इनमें फंक्शनल नहीं थी, वो हमारे में फंक्शनल हुई, है ना. भले ही हम लोग बहुत सारी डायरेक्शन में नहीं देख पाते हैं, लेकिन लेकिन हम लोग एक डायरेक्शन में अगर यहाँ यहाँ देखते हैं, जो अच्छा हम आगे दिखता है वो सिंपल आई की वजह से दिखता है, राइट, ठीक है ना. कॉकरोच के भी डॉक्टर होते हैं, नहीं बेटा निधि, ठीक है.
कुछ भी है तुम है कुछ भी है कुछ भी पूछोगे तुम, मजे लेते हो ना तुम बीच बीच में। अच्छा तो ये हो गया है ना, तो ये हमने पार्ट कर लिया बेटा। इसके बाद में अच्छा, कॉकरोच की पूरी बॉडी इज कवर्ड विद, आर्थ्रोपॉड्स की पूरी बॉडी इज कवर्ड विद, मॉर्फोलॉजी का सबसे सबसे अच्छा पार्ट है, द बॉडी इज कवर्ड विद डैश एक्सोस्केलेटन। गाइस राइट इन द चैट बॉक्स, हाँ 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 राइट इन द चैट बॉक्स, किससे कवर होती है? वेरी गुड, शाबाश। क्या? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। क्या होती है बेटा? द बॉडी इज कवर्ड विद काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से पूरी की पूरी बॉडी कवर होती है। देखो काइटिन जो होता है ना वो इतना हार्ड नहीं होता है ना, ध्यान रखना इस बात का। काइटिन के साथ में जब कैल्शियम प्लस प्रोटीन्स और मिल जाते हैं तब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, राइट? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है ध्यान रखनी है, दैट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है, स्क्लेराइट्स क्या है, स्टरनाइट्स क्या है, टर्गाइट्स क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो हाँ पता है ना सबको, वैसे मैंने इसके लिए मतलब मैंने अपने लिए वो मेमोनिक्स बनाए हैं, वो तुम्हारे लिए मुझे नहीं पता कि तुम्हारे को जरूरत है उस चीज की कि नहीं है। सो वी विल कवर इट फ्रॉम हियर ओनली। कि देखो इसमें क्या है बेटा, द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ईच सेगमेंट द एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट, है ना? ईच हर एक सेगमेंट में हार्डन्ड प्लेट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स, ठीक है ना? स्क्लेराइट्स कहते हैं। स्क्लेराइट्स को अगर तुम डॉर्सली देखो, डॉर्सल पता है ना सबको, पीठ वाला हिस्सा, और वेंट्रल देखो, वेंट्रल मतलब आगे वाला हिस्सा, तो मैंने आगे वी एस, मेरे पापा का नाम है वी एस विक्रम शर्मा, ठीक है? तो वी इसमें आपको स्टरनाइट्स, ठीक है ना, स्टरनाइट्स, ठीक है, एंड डॉर्सल में है टर्गाइट्स, ठीक है ना, टर्गाइट्स, टर्गम कह देते हैं, स्टर्नम कह देते हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स। अदरवाइज यू नो यू हैव अनदर थिंग ऑल्सो, इफ यू कैन रिमेंबर दैट डे, स्टर्नम, हमारा स्टर्नम भी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना, डन, ठीक है ना? तो वेंट्रल में स्टर्नाइट्स, डॉर्सल में आपके टर्गाइट्स, राइट? अब ये जो स्क्लेराइट्स होते हैं एक दूसरे से, बिकॉज हर एक सेगमेंट पे प्रेजेंट है ये, तो टू ऑफ द स्क्लेराइट्स आर जॉइंड बाय विच मेम्ब्रेन बेटा, है ना? दोनों मतलब स्क्लेराइट्स आर जॉइंड बाय, दोनों तीनों चारों जो भी हैं जॉइंड बाय एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम होता है बेटा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या होता है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, करते जाना इसको क्लिक, हाँ क्लिक कह रही हूँ, इसको नोट करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा नाम? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो नाम है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गए? हर एक सेगमेंट पे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, वो कवर्ड है स्क्लेराइट से, जिसको डॉर्सली हम लोग कहते हैं टर्गा, वेंट्रली कहते हैं स्टर्नम या स्टर्नाइट्स, ठीक है? एंड देन हर एक स्क्लेराइट एक दूसरे से ज्वाइन किया है किससे? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन PYQ एम्स ले चलो ठीक है, PYQ एम्स ले, मैंने देखा था कहीं पे, मुझे आई वॉज नॉट श्योर इसलिए मैंने बोला नहीं, पर मुझे इतना पता था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, डन। आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया, इसमें कुछ और तो नहीं, नहीं ठीक है, चलो आगे चले फिर। चलो तो ये तो हो गया बेटा हमारा हेड तक का पार्ट, हमने हेड के बारे में सब कुछ अभी जो है वो जान लिया है। अब हम चलते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थॉरेक्स, जिसमें से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थॉरेक्स बेटा, थॉरेक्स को ना लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, आप चाहो तो मतलब तुम लिख सकते हो, मेरे पास तो बोर्ड लिमिटेड है, तुम्हारे पास भी वैसे पेज लिमिटेड है, कोशिश करना वैसे एक ही पेज पे लिखना, लेकिन घचपच मत करना। थॉरेक्स जो है बेटा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। खासियत क्या है कि यहाँ पे तीनों थॉरिक्स में से वन पेयर ऑफ लेग निकलती है, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ लेग निकलती है, लेग इसकी जॉइंटेड है, दैट इज वाई इट इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है, डन।
राइट. सो थॉरेक्स बेटा कितने हिस्से में डिवाइडेड, इसकी काफी ज्यादा खासियत है, इसलिए इसको अलग से लिखना इंपॉर्टेंट है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. प्रोथॉरेक्स जिसको नेक भी कह देते हैं, प्रोथॉरेक्स जिसको नेक भी कह देते हैं बेटा, उसके बाद में मीजोथॉरेक्स, ठीक है, मीजोथॉरेक्स है, एंड देन लास्टली क्या है आपका मेटाथॉरेक्स. क्या है? मेटाथॉरेक्स. समझ आया बेटा? तो क्या बोला मैंने, हर एक उससे लेग निकलती है ना, कितनी लेग्स निकलती है, वन पेयर ऑफ लेग्स. यहां से भी ठीक है ना, लेग, एंड यहां से भी वन पेयर ऑफ लेग. मतलब टोटल कितनी लेग्स है, टोटल लेग्स कितनी है इसकी, कितनी लेग्स है, 6. कितनी लेग्स है टोटल, 6. दो दो चार दो 6. अब बात करते हैं विंग्स के बारे में. विंग्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको साइड में कर दो. विंग्स का लेना देना है मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स से. तो मीजोथॉरेक्स इज कवर्ड बाय पेयर ऑफ डार्क, है ना, डार्क, क्या कहते हैं उसको, डार्क विंग्स से बेसिकली कवर्ड होता है, जिसको हम लोग, जिसका फ्लाइट में कोई रोल नहीं होता, और इसको हम कहते हैं टेगमाइना. क्या कहते हैं बेटा इसको? टेगमाइना कहते हैं. डार्क ओपेक कवर्ड बाय डार्क ओपेक विंग्स, है ना, विंग्स, जो कि क्या करते हैं, विच ऑल्सो कवर्स द दीज विंग्स ऑल्सो, लाइक मेटाथोरेसिक विंग्स ऑल्सो, मैं आप बाद में लिखती हूँ उसको. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेगमाइना. क्या इसका फ्लाइट में कोई रोल है? नो, है ना, राइट. हाँ, इलाइट्रा भी कहते हैं. जी बिल्कुल. क्या इसका फ्लाइट में कोई रोल है? इसका फ्लाइट में कोई रोल नहीं है, राइट. सो नो यूज इन फ्लाइट, ठीक है ना, नो यूज इन फ्लाइट. टेगमाइना, टेगमाइना को तुम अलग से लिख सकते हो बेटा, इसका नो यूज इन फ्लाइट. सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है आपको यहां से, ठीक है. इन विंग्स को एक और चीज कहते हैं, दैट इज योर मीजोथोरैसिक विंग्स भी कहते हैं इसको, राइट. अब इससे बिल्कुल उल्टा प्रोटेक्शन में यूज होते हैं, ऑफकोर्स, मेटाथोरैसिक विंग्स क्या है, अ पेयर ऑफ, इट इज कवर्ड बाय, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कवर्ड बाय अ पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट विंग्स, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट एंड लाइट लाइक फेदरी जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उन विंग्स से कवर होते हैं ये. इसमें क्या है, दे आर यूज्ड इन फ्लाइट, ठीक है. इसको किस में यूज करते हैं बेटा? फ्लाइट में यूज करते हैं, राइट. डन है बच्चा इसका, राइट. इसको क्या, इसको कौन सा विंग्स कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाथोरेसिक विंग्स. समझ आ गया? तो क्विक क्वेश्चन, फटाफट से जल्दी से बताओ बेटा, विच ऑफ द विंग्स आर यूज इन फ्लाइट, मीजोथोरेसिक या मेटाथोरेसिक? शाबाश, जल्दी बताओ, कौन से विंग्स यूज होते हैं, मेटाथोरेसिक या मीजोथोरेसिक? कम ऑन. हाँ, कौन से विंग्स? मेटाथोरेसिक. कौन से विंग्स होते हैं? मेटाथोरेसिक. हाँ, फोर विंग्स हाइंड विंग्स भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, इनको आप फोर विंग्स भी बोल सकते हो, इन विंग्स को जो प्रेजेंट होते हैं फोर विंग्स बोल सकते हो, इनको आप हाइंड विंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, हाइंड विंग्स भी बोल सकते हो. सो फ्लाइट एंड नो फ्लाइट, ठीक है ना, नो फ्लाइट. याद रखने के लिए, मतलब बेसिकली आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि छप जा, मतलब क्लास में ऐसे बैठो ना, स्कर्मा बैच में, मतलब मेरा मोटिव यही रहता है कि तुम क्लास में आओ, तुम याद करके जाओ. तुम्हारा भी मोटिव यही रहेगा ना, तो हमारी एनर्जी जो है ना एक साथ काम करेगी. तो कभी भी ना इसको ना दिमाग में वो चीज़ डालना बंद कर दो अभी, कि मैं तो क्लास के बाद पढ़ूंगा इसको, मैं क्लास के बाद पढ़ूंगी इसको. फिर अच्छे से अभी बैठे हो ना, डेढ़ घंटा तो हो, दे दो पूरा, 100% दे दो, मेंटली भी दे दो पूरा, ठीक है. ऐसे ही बैठे हो ना सब लोग, ऐसे ही बैठना यहाँ पे, ठीक है, डन, चलो. एनीवेज, सो थॉरेक्स भी हो गया, अब चलते हैं लास्ट. लास्ट पोर्शन पे, दैट इज योर एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन. मैं तुम्हारा चैट बॉक्स चेक करती हूँ कि तुम ढंग के कुछ लिखोगे, कुछ डाउट लिखोगे, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो तुम लोग हैं. द लास्ट पोर्शन इज योर एब्डोमेन. सो थॉरेक्स इज ऑल्सो डन बेटा.
अब हम चलते हैं द लास्ट पोर्शन, दैट इज एब्डोमेन, जिसमें कि काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं. मेल में थोड़ा डिफरेंट है और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट है. कॉडल स्टाइल्स भी PYQ है. जी हाँ बिल्कुल है, इसलिए हम उस पर ध्यान दे रहे हैं आगे. हाँ जी, मैं ना चाहती हूँ कि आप इसको भी देखो, इसको भी एक बार देख लो. इसमें फटाफट से हम लोग एक नज़र मारेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या पता ये भी इससे पूछें एग्जामिनर, इससे भी कुछ पूछ ले. तो बेटा ये है आपका डायग्राम. तो ये है आपका टेग माइना. टेग माइना मतलब माने फोर विंग, ठीक है ना, जिसका कोई नो यूज़ इन फ्लाइट, ठीक है ना, नो यूज़ इन फ्लाइट, राइट. ये आपका हाइंड विंग है, इसका यूज़ है फ्लाइट में, राइट. देन आपके पास है बेटा ये प्रोथोरेसिक लेग है, ये मीजोथोरेसिक लेग है और ये मेटाथोरेसिक लेग है. ये इन्होंने अलग से पार दिए कि मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है एंड ये प्रोनोटम है, मतलब ये हेड के पोर्शन को ही हम लोग कहते हैं, राइट. ये आपकी कंपाउंड आई है ना, ये आपकी कंपाउंड आई है, ये आपका एंटीना है, ठीक है. अब हम लोग एब्डोमेंस के पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि सेवन स्टर्नम बोट शेप्ड होता है. आपको पता है नाइन्थ स्टर्नम पे मेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, कॉडल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं वो सब पढ़ेंगे अभी यहाँ पे. एनल सर्काई, ये एनल सर्काई हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके टेंथ सेगमेंट पे, है ना. मैं आपको अभी भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे लिख लूँ ना क्या फ़र्क पड़ता है. टेंथ सेगमेंट पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एनल सर्काई मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं या बोथ में प्रेजेंट होते हैं. चलो, एनल सर्काई मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं या बोथ में प्रेजेंट होते हैं, लिखो, शाबाश लिख दो. हाँ, गो, वेरी गुड वेरी गुड. बोथ आंसर है, बोथ है ना. एनल टेंथ सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, बोथ में प्रेजेंट होता है, बोथ बोथ मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है. दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, है ना. कई लोगों को पता ही नहीं है भैया, टाइम हो गया मैं स्टोरी सुनाती इस पे. एनीवेज, सो टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. वहीं मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि एब्डोमेन के नाइन्थ सेगमेंट में मेल्स में, है ना, मेल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं कॉडल या एनल स्टाइल, ठीक है ना. दिस इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स. It is a PYQ, not even once, I think twice or thrice, maybe twice or thrice is a PYQ. ये twice या दो या तीन बार ये PYQ पूछा गया है. समझ आया बेटा? The caudal style or the anal styles are present only in males. Ninth segment में present होता है ये. Done बेटा? Females में ये absent होता है. जहाँ तक कि anal सरकाई की बात की जाए, ये दोनों में present होता है. Good to go? गुड गुड है भाई. चलिए अब आगे चलते हैं. आगे चलते हैं बेटा, एब्डोमेन में कितने टोटल सेगमेंट्स होते हैं? 10 सेगमेंट्स होते हैं, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. अभी तक आपको पता चल ही गया होगा एब्डोमेन में वैसे 10 सेगमेंट्स होते हैं. इसका एक अलग से छोटा सा चार्ट बना लेते हैं. वैसे मेजर चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है. सो एब्डोमेन बेटा, एब्डोमेन में मैंने आपको क्या बोला, टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं दोनों मेल्स में और फीमेल्स में? 10 सेगमेंट्स होते हैं, राइट. जो मेन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, अब थोड़ा सा फीमेल्स के बारे में बात करते हैं. फीमेल्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल्स में द सेवंथ स्टर्नम, स्टर्नम पता है क्या है? सेवंथ स्टर्नम जो है, स्टर्नम मतलब वेंट्रल साइड वाला, क्या है बेटा? सेवंथ स्टर्नम इज विच शेप्ड? बोट शेप्ड. क्या है बेटा? बोट शेप्ड है, ठीक है ना, एंड बोट शेप्ड है ना. एंड दिस सेवन स्टर्नम अलॉन्ग विद द एट्थ प्लस नाइन्थ स्टर्नम ये क्या बना देते हैं बेटा? क्या बनाता है ये? ये बनाता है आपका जेनिटल पाउच. क्या बनाता है? जेनिटल पाउच बनाता है, जिसके एंटीरियर साइड में है ना. ये पूरा जब जेनिटल पाउच बन जाता है, इसके इंटीरियर साइड में तीन चीजें प्रेजेंट हैं. क्या? तो देखो मैंने कैसे याद रखा है, CGS. मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ. अब देखो CGS क्या है? कॉलेटीरियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. जेनिटल पोर यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. एंड स्पर्मथीका प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट. स्पर्मथीकल पोर्स है ना, दोनों यहाँ पे हम लोग जेनिटल पाउच
जेनिटल पोर्स हम ले लिया, गोनोपोर प्रेजेंट होता है. सॉरी माई मिस्टेक. ठीक है, डन डन हो गया. सो कोलेटीरियल, यार एक्चुअली कोलेटरल ग्लैंड लिखा हो आगे कोलेटीरियल, बट इसको कोलेटीरियल ग्लैंड ही तुम पढ़ो. ठीक है ना. सो कोलेटीरियल ग्लैंड, गोनेपोपोर एंड स्पर्मथीकल पोर्स, है ना, स्पर्मथीकल पोर्स, राइट, जहां पे आपको पता है कि स्पर्म्स आके स्टोर होंगे, है ना, डन. कोलेट्रल होता है कोलेटीरियल, वैसे तो ग्लैंड कोलेटीरियल होता है वैसे, अगर आप उसका, मैं भी अभी चेक कराती हूँ आपको, अगर डायग्राम चेक करो तो कोलेटीरियल बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड इज कोलेटीरियल ओनली, राइट. ठीक है, डन हो गया बेटा. तो ये है आपकी फीमेल्स वाली स्टोरी. प्लस आपको पता है इसमें, इसके अलावा 10th सेगमेंट पे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वैसे द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ. 10th सेगमेंट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, विच इज एक्चुअली सेंसरी इंस्ट्रक्चर ऑल्सो, एनल सरकार इज सेंसरी इंस्ट्रक्चर. ठीक है, हाँ, कोलेटीरियल होता है, कोलेटीरियल ही होता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा फीमेल्स का हो गया. अब मेल्स का देखते हैं, मेल्स में क्या होता है. तो मेल्स में, वैसे मेल्स में कुछ खास नहीं होता, जो मेन चीज़ है हम लोग लिख चुके हैं मेल्स में, चाहे तो हम लोग इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि क्या है. तो मेल्स में बेटा आपका जेनिटल पाउच जो प्रेजेंट होता है, जेनिटल पाउच जो प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया. नहीं, ठीक है. जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है आपका 9th and 10th टर्गाइट पे. देखो ये, हाँ सही है ना, हाँ हाँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, मेल्स में और फीमेल्स में, हाँ यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए 9th and 10th टर्गाइट पे प्रेजेंट होता है. किसमें होता है बेटा, 9th and 10th टर्गा पे प्रेजेंट होता है. देखो ये थोड़ा सा फीमेल्स में डिफरेंट है, उसमें 7, 8, 9 है, इसमें 9th और 10th है. टर्गाइट्स ऑल्सो, राइट, क्या है, टर्गाइट्स प्रेजेंट है, 9th and 10th टर्गा पे प्रेजेंट है, राइट. चलिए, ठीक है ना, राइट, हाँ बाकी ठीक है. हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन पे प्रेजेंट है, एनस इसका वो है, डॉर्सल है, जेनिटल पोर जो है वो इसका वेंट्रल है, वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो इसका होता रहेगा. इजैक्यूलेटरी डक्ट और वैस डिफरेंस के बारे में हम रिप्रोडक्टिव के उसके बारे में बात करेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंचेंगे. ठीक है, डन. आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया कवर. तो जिस जिसे मैंने स्टार लगाया है, जिस जिस पे भी मैंने स्टार लगाया है ना, मान के चलना कि उसके पेपर में आने की काफ़ी संभावना है. ठीक है, डन. एक मिनट ना, कुछ बता तो नहीं इसमें, ये तो हम लोग सारा, ये हमने सारा कर लिया है, हाँ देख लेना, हाँ ये सब हम लोग कर गए, मतलब सारा लेबियम और लेब्रम आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, हाँ ये है, मेल बेयर्स अ शॉर्ट पेयर ऑफ द थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स एब्सेंट इन फीमेल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द लाइन ऑफ द ईयर भाई, द लाइन ऑफ द ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द मल्टीपल टाइम द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द बुक. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोथ द सेक्सेस, द 10th सेगमेंट इज फिलामेंटल, ये है. ठीक है, बाकी तो चलो खैर, तुम ठीक बोल रहे हो. देखो ये कोलेटरल ग्लैंड्स लिखे हुए हैं ना, लेकिन तुम आगे जब देखोगे ना उसमें, तो उसमें कोलेटीरियल ग्लैंड्स लिखा हुआ होता है, राइट. ठीक है, डन, चलो. सो आई थिंक दैट कवर्स आवर मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट. मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट जो है वो कवर हो गया है. अब हम लोग आते हैं एनाटॉमी वाले पार्ट पे. एनाटॉमी वाले पार्ट में जब तुमने उसको कट किया तो तुमने अंदर क्या क्या देखा. सबसे पहले उसका एलिमेंट्री कैनाल, देन उसका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करोगे, देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कवर करोगे. क्या मतलब, हाँ, एनाटॉमी हमसे मिलती है. अभी तुम देखना कि हमारे में और इनमें कितनी जो सिमिलैरिटी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, एनाटॉमी में शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, मैं जा रही हूँ अगले पेज पे, हम इसको लिखेंगे, इस पे बनाएंगे एक चार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी शुरू हो रहा है बेटा. एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका डिवाइडेड है बेटा तीन हिस्से में. आपका है फोरगट, इसी में इसको कवर कर देंगे, हाँ, फोरगट, मिडगट, एंड तीसरा है हमारा हाइंडगट. हाइंडगट, समझ आया बच्चे. अब देखते हैं फोरगट में क्या पार्ट है ना.
first of all, the foregut is lined by cuticle. The whole foregut is lined by cuticle. ये लिखा सबने? Done? Foregut कहाँ से start होती है? चलो बेटा बनाओ फटाफट से. Mouth. Mouth के बाद में आपका pharynx. बनाते जाना है साथ में. Pharynx. Pharynx के बाद में esophagus. Esophagus. Esophagus के बाद में यहाँ तक हमारा और इनका सेम है. अब थोड़ा सा हमारे पास ट्विस्ट आता है. क्या है इनका? इसोफेगस किसके बाद में आता है बेटा? हमारे पास क्रॉप. क्रॉप के बाद में क्या आता है हमारे पास? गिजर्ड. ठीक है ना? एंड गिजर्ड इसको प्रो वेंट्रिकुलस भी कहते हैं. एंड इट मार्क्स योर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलस. ठीक है? इट मार्क्स द एंड ऑफ द योर फोरगट बेसिकली. ठीक है ना? राइट. सो फोरगट में आपका बेटा आ गया माउथ, फेरिक्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड. एक ऐसे पार्ट हैं जो हमारे में नहीं प्रेजेंट है. लेकिन बेटा ये बर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है? हाँ हाँ, पी वाई क्यू अलर्ट है. हाँ, क्रॉप और गिजर्ड बर्ड्स में प्रेजेंट है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? टेल मी, टेल मी, टेल मी, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ. हाँ, हमारे प्रेजेंट है? 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 हमारे में नहीं है. ऑफकोर्स नहीं है. हाँ, यस, ये बर्ड्स में प्रेजेंट है. क्रॉप का क्या फंक्शन होता है? क्रॉप का फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड. टू स्टोर द फूड. ठीक है ना? गिजर्ड का फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग में. ग्राइंडिंग में इसका एक और वर्ड होता है बढ़िया सा, पल्वराइजेस द फूड. आई थिंक ये किसी प्रीवियस एग्जाम में आया था तो बच्चे को मतलब ही पता नहीं था कि पल्वराइजेस का मतलब क्या होता है. पल्वराइजेस का मतलब होता है कट 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 करना, कटिंग करना. ठीक है ना? क्या करना? कटिंग करना है. मिक्सिंग नहीं बेटा, ग्राइंडिंग. गिजर्ड का जी से गिजर्ड, जी से ग्राइंडिंग. समझ आ गया सबको? जी से गिजर्ड, जी से ग्राइंडिंग. चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा. एक छोटा सा एक कवर करेंगे फोरगट और मिडगट. इसका जो जंक्शन है यहां पे बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? सिक्स टू एट प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सीके. क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? 6 to 8 हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं. इन हिपैटिक सीके का काम क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है ना? आपको पता है इसमें लीवर नहीं था, ये हमारे में आके लिवर बना. ठीक है? इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग कॉकरोच. ये बच्चा है कहाँ? ठीक है, चलो. मिडगट और हाइंडगट, इसका जंक्शन आ गया. अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे कम से कम भी 100 to 150 क्या है? मालपिगियन टिब्यूल्स है. मालपिगियन टिब्यूल्स है. मालपिगियन टिब्यूल्स का क्या काम है? इसका बड़ा काम है एक्सक्रीशन में. ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका. क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका. ठीक है ना? मालपिगियन टिब्यूल्स जो है दे आर, वो तैरती रहती है हेमोलिम्फ में. हेमोसील है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना इसका, मतलब हेमोलिम्फेस में. तो उसमें तैरती रहती है, वहां से पोटाशियम यूरेट को उठाती रहती है. ठीक है ना? और उसमें मालपिगियन टिब्यूल में लाती है. मालपिगियन टिब्यूल उस पोटाशियम यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है और हाइंडगट से वो बाहर निकल जाता है. वैसे करने को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं खत्म कर सकते हैं. कर दें क्या? आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. बताओ कर दें क्या? गैस्ट्रिक सीका, हिपैटिक सीका, एक ही बात है. ठीक है? देखो तो हम लोग इसको कर सकते हैं, यहीं पे कवर कर सकते हैं. देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं यहाँ पे. तुम देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये मालपिगियन टिब्यूल. सपोज यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये. दिस इज अ मालपिगियन टिब्यूल, है ना? राइट. हाँ, तो यहाँ पे दिस इज द मालपिगियन टिब्यूल एमटी. यहां से दिस इज अ हेमोलिम्फ, है ना? बाहर हेमोलिम्फ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इसका हेमोसील है बेसिकली. यहाँ पे हेमोलिम्फेसिस में हेमोसाइट्स वगैरह होते हैं. तो इसमें से पोटाशियम यूरेट, आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पोटाशियम यूरेट आता रहता है बेटा इसमें मालपिगियन टिब्यूल में. नाउ दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू, दिस पोटाशियम यूरेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड हियर. और आपको पता है ये आपका मिडगट था बेटा. ठीक है ना? ये आपका मिडगट था और ये आपका हाइंडगट था. एंड हुआ क्या, ये यूरिक एसिड अब यहां से निकल गया. ठीक है, हमारा काम डन. व्हाट इज द मॉरल स्टोरी? नाउ कॉकरोच यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या अमोनोटेलिक है? टेल मी, क्या देखा तुमने यहां पे?
कॉकरोच, मैंने पूछा आपसे यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या मोनोटेलिक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज यूरिकोटेलिक. तुमने देखा यहाँ पे, तुमने देखा यहाँ पे कि पोटेशियम यूरेट को हेमोलिम से ये लेके यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? ठीक हो गया, डन डन है, डन ना. हाँ, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फैट बॉडीज, ठीक है ना, नेफ्रोसाइट्स, ठीक है ना, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. कीप अ चेक ऑन दैट, ठीक है ना. फैट बॉडीज ये पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट करती हैं यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं ये फैट बॉडीज. नेफ्रोसाइट आपको वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रोसाइट. यूरिकोज ग्लैंड ये मशरूम ग्लैंड्स का पार्ट है बेटा. आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मशरूम ग्लैंड्स आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली. बेसिकली मशरूम ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं फीमेल्स में. दैट इज वाई जो यूरिकोज ग्लैंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पे साइन बना लो, मेल्स में ही प्रेजेंट, ओनली मेल्स ओनली, ठीक है, मेल्स ओनली. ये क्या लिखा है मैडम, आपको, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है. ये बड़ा मशरूम ग्लैंड्स लिखा है, ये वॉल्स ऑफ द हार्ट लिखा है, ये पोटेशियम यूरेट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, है ना. मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो ले लेना चाहिए था, ठीक है, स्पेस. हाँ, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बोल बोल के पढ़ाया था, मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आया होगा. ठीक है, समझ में आ गया, डन डन, है ना. अरे भावों में इतना बैग है ना कि मतलब सब कुछ यहाँ ही बना दिया. चलो ठीक है, ठीक है बेटा. आई थिंक एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ खत्म करना वॉज अ वाइज थिंग. समझ गए ना, 100% समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हाँ, मेरे बच्चे हैं क्यों नहीं समझेंगे, ठीक है. चलो आगे चलो, चलिए बेटा लास्ट चलते हैं. हाइंडगट, हाइंडगट के आपको पता है इसके तीन पार्ट्स हैं, इलियम, है ना, कोलोन, सीकम नहीं होता इसमें, इलियम होता है एंड कोलोन होता है एंड आपका होता है रेक्टम, ठीक है ना, रेक्टम से के थ्रू, फिर ये एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है आपका एक्सक्रीटरी पार्ट, ठीक है ना. इलियम, कोलोन एंड रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. सो बेसिकली दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. एंड आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना बेटा वो ये है, दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ये ग्लैंड्स, ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किए हैं यहाँ पे, ये आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डन. चलिए तो ये जो हो गया आपका बेटा, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये हमने सारा कर लिया बेटा, मालपिगिन टिब्यूल्स के बारे में भी देख लिया, इसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से, बिकॉज इसमें वैसे है कुछ नहीं, हम पढ़ के आ गए हैं इसको. ये फेरिक्स है, ओह एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गाइज. हमारे में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स डू वी हैव, वी हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, थ्री पेयर्स. द कॉकरोच इज हैविंग वन पेयर. कॉकरोच में बेटा ओनली वन पेयर इज प्रेजेंट. तेरी इतना मोटा हो गया. हाँ, वन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है. देन ये सलाइवरी रिजर्वॉयर आपको पता है, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, हेपेटिक सीका, देखो तुम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं. मेजेंट्रॉन कहते हैं मिडगट को. मालपिगिन टिब्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं. इलियम, कोलोन, रेक्टम. यू नेवर नो कि कभी तुम्हारे को डायग्राम आ जाए पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है ना, इसका नाम वाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है. ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है भैया, इसका क्या फंक्शन है, ये क्रॉप है, छोटा सा फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, ये गिजर्ड है, पल्वराइजेस द फूड, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, है ना. उसके बाद में किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की. तो कॉकरोच के बेटा कितने हार्ट होते हैं सबको पता होगा ना इसका. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, कितने हार्ट हैं कॉकरोच के, 13 चेंबर्ड हार्ट हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर को तो बच्चों के मजे लेने में मजा आता है, कहता है कि कॉकरोच हैज
one heart with the 13 chambers or 13 hearts with the one chamber? Batao, A or B correct hai? 13 hearts with the one chamber or one heart with the 13 chambers? अरे हाँ, उसको पता है तुमको, तुम वो मजे लेगा पूरे तुम्हारे को. कॉकरोच के दिल में 13 चैम्बर्स हैं, 13 चैम्बर्स हैं. एक ही दिल है, उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, ऐसे याद रख लेना, है ना. एक दिल के टुकड़े हो गए 13, है ना. 13 बार दिल टूटा है उसका. ओह शिट यार, जिसका टूटा होगा 13 बार उसका, तो फिर तो पता नहीं दिल होगा भी उसके पास कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता. तो कॉकरोच का दिल कितनी बार टूटा है? 13 बार. याद करने के लिए क्या जाता है यार, ठीक है. चलो, हर एक चैम्बर में बेटा आपके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ ऑस्टिया होते हैं, पेयर ऑफ ऑस्टिया होते हैं, ठीक है ना. जहां से क्या करता है, ब्लड एंटर करता है एंड एग्जिट करता है, ठीक है. ब्लड एंटर करता है और एग्जिट. ऑस्टिया मतलब पोर्स, छोटे है ना. कहाँ खुलता है? साइनसिस में. ब्लड वेसल्स जो है वो पुअरली डेवलप्ड हैं. ब्लड वेसल्स हैं जो बेटा वो पुअरली डेवलप्ड हैं. क्यों पुअरली डेवलप्ड हैं? क्योंकि इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड को क्या कहते हैं बेटा? हेमोलिम्फ कहते हैं. हेमोलिम्फ कहते हैं क्योंकि क्यों कहाँ प्रेजेंट होता है? हेमोसील में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? हेमोसील में. सील मतलब सीलोम, हाँ, हेमोसील, हाँ, वहां से हेमोसील बना. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. हेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. तुम्हें बताऊँ इसमें ना एक और चीज प्रेजेंट, वैसे तुम्हारी बुक में लिखा नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ. इसमें प्रो ल्यूकोसाइट भी प्रेजेंट होते थे. मतलब आरबीसी तो डेवलप हो रहे थे, हेमोसाइट मतलब ये आरबीसी थे, पर प्रो ल्यूकोसाइट भी प्रेजेंट होते थे. तो यहाँ से प्रेजेंट ये डेवलप होना शुरू हो चुका था, राइट. तो चलो, ये हो गया हमारा, छूटा तो नहीं इसमें कुछ. आई थिंक वी आर गुड टू गो, ठीक है. तो आओ, यस, हाँ नहीं, चलो ठीक है. अच्छा, क्या है इसका भाई? कुछ और तो नहीं बचा. हाँ, फनल शेप्ड चैम्बर्स हैं ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला. इसमें और कुछ है नहीं वैसे इतना. एंटर ब्लड वेसल्स. हाँ, एक चीज़ है इसमें जो आपको समझनी है, दैट इज विजरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हेमोसील्स आर बेथ्ड इन द ब्लड. ये तो बाकी तो आपको पता ही है, कलरलेस होगा, प्लाज्मा है, हेमोसाइट्स हैं, हार्ट ऑफ द कॉकरोच. आई थिंक वी आर गुड टू गो. इसमें कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने के लिए. हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, डन. हाँ, इसका हार्ट का डायग्राम तो दिया था यार. डायग्राम तो दिया था, नहीं दिया था ना डायग्राम? इसका हार्ट का डायग्राम नहीं है ना, रेस्पिरेशन का भी नहीं है. हाँ ये रहा ना, यस, दैट्स व्हाट आई वाज मिसिंग आउट. हाँ ये तो ये है. इसमें बेटा आपको पता चलना है, ये जो फनल शेप्ड आपके चैम्बर्स है ना, दीज आर फनल शेप्ड चैम्बर्स. हर एक चैम्बर पे आपके ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको कहते हैं एलेरी मसल्स. क्या कहते हैं? एलेरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. एलेरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. एंड द कॉकरोचेज हार्ट इज न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक हार्ट है. न्यूरोजेनिक हार्ट है मतलब क्या? इसको कंट्रोल करता है ब्रेन. इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. द रिदम इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, है ना. रिदम इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. वैसे तो हमारा भी कंट्रोल तो उसको ब्रेन ही कर रहा होता है, बट इन आवर हार्ट द रिदम इज इनिशिएटेड और जनरेटेड इन द एसेनोड. एसेनोड, इसलिए हमारा हार्ट इज क्या है बेटा? जरा लिखो. हाँ बताओ चैट बॉक्स में लिख दो. द ह्यूमन हार्ट इज हाँ एसेनोड करता है. वर्ड क्या बोलेंगे इसको? मायोजेनिक. द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बट द कॉकरोचेज हार्ट इज न्यूरोजेनिक, राइट. ठीक है, डन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो अच्छा, ये हो गया. देन उसके बाद में बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या बोलता है बेटा? द कहाँ से हो रही है रेस्पिरेशन? बाय द ट्रैकियल सिस्टम. कैसे हो रही है? ट्रैकियल सिस्टम से हो रही है. तो छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी जो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा. देखो, ये है स्पिरिकल, इसमें स्पाइरल्स होते हैं. इसमें दिस इज द ट्रैकिया, इनका भी ट्रैकिया होता है जैसे हमारा होता है. तो ट्रैकियल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है. दिस होल इज नोन एज स्पिरिकल, ठीक है ना. और ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ट्रैकियोल्स में,
ठीक है, किस में डिवाइड हो जाता है, ट्रैकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे करके। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस ट्रैकियोल बेटा क्या प्रेजेंट होता है, कोई भी टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली इसके में एल्वियोलाई नहीं होते हैं। हमारे में क्या होता है, जहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्पिरिकल्स आर जस्ट लाइक नॉस्ट्रल्स, हमारे नॉस्ट्रल है ना, एयर एंटर करती है, इसमें एयर एंटर करके फिर ट्रैकिया में जाती है, इनमें भी ऐसे ही हो रहा है, स्पिरिकल्स के थ्रू एयर एंटर कर रही है, इधर आ रही है, ट्रैकिया से होते होते फिर इधर चले जा रही है, ये इनको हम लोग कहते हैं ट्रैकियोल्स, ठीक है ना, ट्रैकियोल्स कहते हैं इसको, ठीक है। इन ट्रैकियोल्स के थ्रू एयर जो है वो सीधा सीधा टिश्यू में जा रही है, तो देर इज नो नीड ऑफ द एल्वियोलाई, यहाँ पे कोई एल्वियोलाई नहीं, ठीक है, डन। कितने क्वेश्चन ये है, स्पिरिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी स्पिरिकल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी स्पिरिकल्स आर प्रेजेंट, आपके सामने लिखा है बेटा यहाँ पे द टेन पेयर्स ऑफ द स्पिरिकल्स आर प्रेजेंट, थ्रू द टेन पेयर स्मॉल होल्स कॉल्ड द स्पिरिकल्स आर प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है ना, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम है विच कैरी द ऑक्सीजन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डन डन फिनिश्ड ना, फिनिश्ड, वेरी गुड। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं, दिस पार्ट वी ऑलरेडी हैव डन, ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इसमें हाईलाइट कर लो, यूरिकोटेलिक है ना, डन। इसमें देखो लास्ट में लिखा है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स, ये भी हमने कर लिया है, डन बेटा, डन है ना, बढ़ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस, बढ़ना चाहिए कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन डालूंगी मैं इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन किया ना टेलीग्राम ग्रुप, नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ये लो, ये दे दिया मैंने, ये लिंक तो नहीं है, ये नाम, इस नाम से सर्च कर लो आप, बहुत लंबा नाम है तुम्हारी मैम का तो कहते हैं बहुत लंबा नाम है, जितना लंबा कहते हैं कि जितना लंबा नाम है उतने बड़े आदमी होते हैं, मैंने ऐसा क्या, ठीक है, माय मैम यूज टू से, जो टीचर बोलता है दिमाग में घुस जाती है चीज़, वैसा तो ऐसा। एनीवेज तो गाइज हमारा क्या क्या हो गया है, थोड़ा रिविजन करते हैं, मॉर्फोलॉजी पूरा हो गया, एनाटॉमी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया, बचा है हमारा नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात नवनीत, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेटा एब्सेंट होता है क्योंकि जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली वो अपना जो है ऑक्सीजन जाके देके आ जा रहा है टिश्यू पे, जरूरत ही नहीं है, है ना, डायरेक्टली खुद ही नीड ही नहीं है उसको, है ना। चलो सो लेट अस जस्ट गो टू द नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बेटा इसके, अरे नर्वस सिस्टम तो, नर्वस सिस्टम कहाँ गया इसका, एक मिनट, हाँ नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ही पार्ट है वैसे इसका, इसमें वो लिखा हुआ है ना, बड़े स्टाइल से लिखा हुआ है कि डू यू नो लाइक व्हाई कॉकरोच डजंट डाई इवन आफ्टर इट हैज कट डाउन इट्स हेड, व्हाई, बिकॉज द नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन द हेड, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, है ना, राइट, ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये हाँ यही तो है, यही है ना, थ्री गैंगलिया, ये हियर 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 हियर, इसका भी छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, है जरूरत डायग्राम बनाने की, बना लेते हैं। द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम द कॉन्क्रीट सीरीज ऑफ द फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया, है ना, सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया प्रेजेंट है इसमें, तो बड़े स्टाइल से इसने लिखा हुआ है कि देखिए गैंगलिया जॉइंट विद अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, थ्री गैंगलिया लाई इन द थॉरेक्स, कितना, थ्री गैंगलिया इन द थॉरेक्स रीजन, कहाँ पे होते हैं बेटा आपके, थॉरेक्स रीजन में होते हैं, एंड सिक्स गैंगलिया इन द एब्डोमेन, राइट, ठीक है, डन। सो इसमें लिखा हुआ है बेटा, इनमें द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग विद द वेंट्रल और द बेली पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द कॉकरोच हेड इज कट ऑफ स्टिल लाइफ फॉर द वन वीक, तो आपको ये लाइन जिन्होंने लिख दिया है ना, इनको क्वेश्चन बना बना के डालने में बहुत मजा आता है, सो यू शुड नो द रीजन, यू शुड नो द रीजन व्हाई इट इज लाइक दैट, व्हाई, बिकॉज द हेड होल्ड्स अ टाइनी बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। एक और बात, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कई बार, आपने एक मेमोनिक, तो क्या मेरे को तो ऐसे ही याद आता है, VDS, वैदिक धर्म संस्थान, सो इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी होती है, वी से वेंट्रल, ठीक है ना, डबल एंड सॉलिड,
ऐसे सॉलिड सॉलिड नर्व कॉर्ड है इसकी, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है बेटा इसकी, दैट इज इट. VDS मैं ठीक तरह मतलब दैट इज हाउ आई रिमेंबर्ड इट. बाकी बेटा ये हम लोग पढ़ चुके हैं कंपाउंड आइज के बारे में, एंटीना आइज ये के बारे में. यहाँ ये चीज़ नोट कर लेना कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं इसके वो एंटीना है, आई है, मैग्जिलरी पैल्प्स है, लेबियल पैल्प है, मतलब मैग्जिलरी पैल्प जो मैग्जिला पे जो लाइंस हैं छोटी छोटी, लेबियम पे जो छोटी छोटी इसके वो है ना निकले हुए हैं छोटे 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 धागे धागे निकले हुए हैं. दैट एनल सर्काई वो भी सेंसरी है, याद रखना एनल सर्काई भी सेंसरी है. आई थिंक दैट्स ऑल, वो हम बाकी हम लोग कर चुके हैं. ये ओमिडिडिया ओमिडिडिया की कहानी हम लोग कर चुके हैं पहले ही. डन, आई थिंक इतना काफ़ी है यहाँ पे, डन हो गया ना. सो VDS एप्लीकेबल टू ऑल द इनवर्टिब्रेट्स, दोज हूसोएवर हैव द नर्वस सिस्टम, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, जनहित में जारी फॉर इनवर्टिब्रेट्स. क्या VDS, ठीक है, डन. चलिए ओह लास्ट में चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पानी पी लूँ, पानी पी लूँ यार बेटा थोड़ा सा. किसका लिंक सेंड करूँ? आज तो मैंने कोई खासे नोट्स बनाए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ये पूरा का पूरा विद दिस ऑल्सो आई विल कवर, बिकॉज मैक्सिमम आपकी NCERT की चित्रकारी ये दर्शाती है कि आप कितना डीपली पढ़े हैं, है ना. जब तक ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि स्क्रिबल्ड ना हुई हो ना वो, तब तक नहीं समझ में आता है कि मतलब आपने कितना वो जम के पढ़ाई की है, ठीक है. तो ऐसा सो बट खैर मैं ये आपको शेयर कर दूंगी, बहुत ज़रूरी है. मैं फिर बार बार आपको बोल रही हूँ कि NCERT रीडिंग मत छोड़ना. टीचर्स पे विश्वास है, बहुत बढ़िया बात है, मेरे से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं फिर भी एंड अदर डे यही बोलूँगी, NCERT पढ़ना मत छोड़ना, एंड मोमेंट तक मत छोड़ना, ठीक है. एंड मोमेंट मतलब ऑफकोर्स जब हफ्ता रह जाएगा, हफ्ता 10 दिन रह जाएंगे, उस वक्त तो छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दिमाग वरना ख़राब हो जाएगा उस वक्त अदरवाइज. बट अभी अभी पढ़ो, अभी जम के पढ़ो, जून एंड तक तो पढ़ो, मतलब ऐसे पढ़ो कि बस यही एक महीना है, और है ही एक महीना नहीं. बुक में सबसे हाईलाइटेड है, अरे तुम्हें मैं अपनी बुक दिखाऊं, तुम तो तुम, तुम्हारे टीचर्स को देखा है तुमने, कई सालों से लगे हुए पढ़ाने, ये देखो तुम, मतलब पता नहीं, मतलब तुम भी ऐसे लिखते हो, मतलब मैं तो ऐसे लिखती हूँ, मतलब यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, इससे ज़्यादा गंदी है क्या, इससे ज़्यादा गंदी है क्या. मैं तो मतलब कुछ नहीं छोड़ा हुआ, सब लिख डालो, सब लिखो, सब बहुत साफ है ये, हैं ऐसा क्या, मतलब मेरे वैसे मैं पेजेस पे ज़्यादा लिखती हूँ, मतलब मुझे पेजेस पे लिखने की ज़्यादा आदत है, मतलब आई लाइक राइटिंग ऑन द पेजेस, राइट 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 ऑन द पेजेस, ऑन द पेजेस, ऑन द पेजेस. ओ बाबा, चलिए बढ़िया है, तुम्हारी बढ़िया है, बहुत बहुत साफ है. चलो तो अभी हम लोग करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पेजेस पे लिखता हूँ मैं भी, पेजेस पे ज़्यादा लिखती हूँ, मतलब डिपेंड करता है, अपना अपना स्टाइल है सबका. चलिए तो हमने कुछ एक चीज़ें जो है ना बेटा वो यहीं से मैं अंडरलाइन करते हुए जाऊँगी. सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं मेल सिस्टम्स के बारे में, मेल है ना ये, हाँ मेल ही है, हाँ मेल है ये, ठीक है. चलो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपको यहीं से आने हैं, ठीक है. चलो आओ यार, सो अभी हम थोड़ा डायग्राम गंदा करते हैं, आ जाओ. मतलब तुमने पहले से किया होगा, मैं मुझे पूरी उम्मीद है तुम पे, जितना मैं तुमको जानती हूँ, और बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है. हाँ जी हाँ ठीक है. अब देखो बेटा, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉकरोचेज आर डायोशियस, दैट मीन्स द सेक्सेस आर डिफरेंट, है ना. द मेल इज डिफरेंट, द फीमेल इज डिफरेंट. इस बात का पता हमें इसी बात से लग चुका है कि कॉडल स्टाइल और द एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स, है ना, नाइन्थ सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है. अब चलिए अब बात करते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से वर्ड का क्या क्या मतलब है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट, आप देख पा रहे हैं बेटा. सो आप इसको नंबरिंग करते जाइए. नंबर एक, टेस्टीज में द स्पर्म्स आर बीइंग फॉर्मड, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है. द स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में इट इज डायरेक्टली कमिंग टू द
सेमिनल वेसिकल, सही बोल रही हूँ ना मैं, सेमिनल वेसिकल है ना, नहीं सॉरी वैस डेफरेंस, सॉरी हाँ सॉरी, नंबर टू पे आता है आपका वैस डेफरेंस, नंबर थ्री पे आता है आपका सेमिनल वेसिकल, नंबर फोर पे आपका आता है इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है डन। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि हाउ द स्पर्म्स आर मूविंग फ्रॉम द टेस्टीज टू द वैस डेफरेंस, देन टू द सेमिनल वेसिकल, देन टू द इजैक्युलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे कैच क्या है, कैच ये है कि सेमिनल वेसिकल का बच्चों हमारे में क्या फंक्शन होता है, एडिंग द सेमिनल प्लाज्मा इनटू द सीमन। कल ही अच्छा वो 2023 वाले बच्चों को पढ़ाया मैंने, एनीवेज तो एड मतलब बेसिकली गिविंग द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। लेकिन यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है सेमिनल वेसिकल का, नाउ इट इज डिफरेंट। द सेमिनल वेसिकल क्या करता है बेटा, इट स्टोर्स द स्पर्म्स, क्या करता है, इट स्टोर्स द स्पर्म्स। समझ आ गया बेटा, तो इसमें जो है जो सेमिनल वेसिकल है वो स्पर्म्स को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स, राइट, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये फैलोमेयर्स का डिस्कस करते हैं, ये है राइट फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर एंड योर लेफ्ट फैलोमेयर, ये क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब बेसिकली अल्टीमेटली द स्पर्म्स जो हैं वो यहीं से होते हुए आएंगे, ठीक है, यहीं से होते हुए आएंगे, राइट, राइट फैलोमेयर, लेफ्ट फैलोमेयर एंड वेंट्रल फैलोमेयर। समझ में आ गया, डन बेटा। इसको आप जानते ही हैं, एनल सर्कस को जानते हैं ना, दोनों में प्रेजेंट होता है 10th सेगमेंट पे। कॉडल स्टाइल को भी जानते हैं आप, कॉडल स्टाइल इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, ये मेल्स में ही प्रेजेंट होता है, बचा क्या कुछ, हाँ बाकी आपकी बेटा ये स्मॉल टिब्यूल्स हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स हैं, दिस इज द फैलिक ग्लैंड, इसके अलावा दे हैव द मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंड फैलिक ग्लैंड क्या करते हैं बेटा, फैलिक ग्लैंड दे फॉर्म्स द आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग है ना, ये इसमें भी किसमें हेल्प करते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द स्पर्मथीका, स्पर्मथीका क्या है, आपके स्पर्म पैकेट्स, है ना, इसके स्पर्म्स एज अ स्पर्म्स रिलीज नहीं होते हैं, वो स्पर्म पैकेट्स की फॉर्म में जाते हैं, डन डन है बेटा, डन, ठीक है ना, स्पर्म, हाँ स्पर्मेटोफोर, हाँ बेसिकली चलो खैर बात तो एक ही है लेकिन हम फिर भी स्पर्मेटोफोर लिख लेते हैं, उसको स्पर्मेटोफोर, ठीक है ना, राइट, मतलब इसके अंदर में आपके स्पर्म जो है पैकेट्स हुए स्पर्मथी का वो स्टोर होता है, ठीक है ना, स्पर्मेटोफोर, स्पर्म पैकेट एक ही बात है वैसे तो, राइट, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ तो नहीं बचता है, आई थिंक वी हैव डन ऑल, हाँ चलिए ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अब हमने अभी तक यहाँ पे मेन चीज़ जो है, हाँ स्मॉल प्लस लार्ज ट्यूब्यूल्स इज इक्वल्स टू द मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स याद रखना बेटा ओनली प्रेजेंट इन द मेल्स, ये यूरिकोज ग्लैंड भी है इसमें, यूरिकोज ग्लैंड्स का आपको पता है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, राइट, ये आपने याद रखना है, दिस इज ऑल्सो अ कैच है। टेस्टिस कैसी प्रेजेंट होती है ये भी याद रखना है, वन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब वन ऑन दी बोथ साइड्स प्रेजेंट होता है ये, ठीक है डन, आई थिंक दैट कवर्स ऑल, है ना, बाकी हम जेनिटल पाउच के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, बाकी ब्रिवोरिस मेजोरिस है इसको छोड़ दो अभी, बिकॉज आपकी बुक में नहीं लिखा है, चक इट, लीव इट, छोड़ दो उसको, ठीक है, ब्रिवोरिस मेजोरिस में अगर तुमको पढ़ना होगा अच्छे से तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इफ़ यू क्लिक मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, बट राइट नाउ आई वोंट एडवाइज यू टू स्टडी दैट पार्ट, मत पढ़ना उस पार्ट को अभी, छोड़ो ना यार, अभी तुमको वही पढ़ना जो NCERT में लिखा हुआ है, बस एंड ऑफ द स्टोरी, फालतू हाई फाई नॉलेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, किसी को प्रूव नहीं करना है, तुमको प्रूव तो उस दिन तुम कर दोगे जिस दिन तुम नीट में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना, बाद में सीखिए मारना फिर, छोड़ो एनीवेज, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, जितना हमारे को चाहिए है ये सब हम लोग यहाँ पे कर लिया। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की, अब फीमेल्स में कैसे हैं, फीमेल्स में बेटा पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, आप ये देखो ये भी इसकी ओवरी है ये भी इसकी ओवरी है, चलिए ठीक है। अब बेटा इस ओवरी में आपको ये जो लाइनें दिख रही है ना ऐसे ऐसे करके जो लगी हुई है, तो बेटा इनको हम कहते हैं ओवेरियोल्स,
ठीक है ना, ओवेरियोल्स, हर एक में कितने, आठ ओवेरियोल्स, आठ इसमें और आठ इसमें प्रेजेंट होते हैं ओवेरियोल्स, ठीक है बेटा। इसमें आपको ये स्पर्मथीका दिख रहा है ना, इस स्पर्मथीका का क्या फंक्शन है? स्पर्मथीका स्टोर द स्पर्म पैकेट्स। आपको याद है स्पर्मेटोफोर, मैंने बोला था ना कि ये एक ही बात है, मैंने उसको मिटा के स्पर्मेटोफोर किया था। तो बेटा स्पर्मथीका यहाँ पे स्टोर करते हैं स्पर्म्स, क्या करते हैं स्पर्म स्टोर करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इट रिसीव्स द स्पर्म्स एंड स्टोर इट हियर, फिर ये आपके जो जो ओवरी में आपके ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें वो ऐड करती रहती है, ठीक है ना, वो एडिशन होते रहता है। अब देखो, अब जब ये दोनों ओवेरियोल्स मतलब दोनों ओवरीज यहाँ पे मिलती हैं इस कॉमन, पहले तो उसको ओविडक्ट कहते हैं, अब ये दोनों ओविडक्ट मिलके क्या बना देती है, मतलब कॉमन ओविडक्ट और वजाइना बना देती हैं दोनों मिलके, ठीक है। किसने लिखा था? अभिषेक, देख बेटा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, कॉलेटीरियल ग्लैंड्स, ये भी हम पढ़ के आए हैं, जेनिटल पाउच के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, वेस्टिब्यूलम, ये वेस्टिब्यूलम प्रेजेंट है, यूगनेपोफाइसिस, इसके बारे में, सबके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने देखा कि इसकी कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, याद है ना जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इसके बारे में, ठीक है, डन। हाँ, तो ये आपके बेटा यहाँ पे ये प्रेजेंट। अब बात करते हैं कि कितने ऊथीका प्रेजेंट होते हैं। ऊथीका मतलब कि जैसे सपोज यहाँ पे स्पर्मथीका में द स्पर्म्स आर स्टोर्ड, मान लेते हैं द स्पर्म्स आर स्टोर्ड, यहाँ से ओवम, लाइक देखो अगर आठ ओवेरियोल्स है मतलब आठ आठ है ना, मतलब एग आ रहे हैं यहाँ से एनीवेज, तो यहाँ पे आके बेटा, यहाँ पे आके वो फर्टिलाइज होंगे, ठीक है ना, फर्टिलाइज होके अब हम उस जो फर्टिलाइज एग होता है वो स्टोर हो जाता है उथीका में। किस में स्टोर हो जाता है? उथीके में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने 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 उथीका है? हाँ, आठ प्लस आठ सोलह, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, है ना। तो कितना उथीका रिलीज करता है बेटा ये? 9 to 10 उथीका, है ना, जब ये ले करती है ना बेटा। सो 9 to 10 उथीके जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कि कम से कम जिसमें से कि कम से कम कितने एग्स होंगे, कितने फर्टिलाइज्ड एग होंगे, तुम देखो 9 to 10 उथीका, हाँ, जिसमें से कितने कितने ही तुम्हारे फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, 14 से 16। अब वो आपको पता है कि क्यों है 16, बिकॉज आठ एक है, आठ एक है, ठीक है ना, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट, फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट, हाँ हाँ, फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट, राइट, डन बेटा, डन, 14 to 16। तो आप सोच लो कि कितना है। अच्छा, ये पार्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन, चलिए सॉरी हाँ, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है, द स्पर्म्स आर ट्रांसफर द स्पर्मेटोफोर, जिसको हम स्पर्म पैकेट्स कहते हैं बेटा, स्पर्म पैकेट्स, यहाँ पे लिख लो इसको, स्पर्म पैकेट्स, ठीक है, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेज इन द कैप्सूल कॉल्ड दैट उथीका, उथीका इज अ डार्क रेडिश, और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कहाँ से कहाँ लिखा होगा, यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथीके, ईच कंटेनिंग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स, हाँ फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज पैरामेटोबोलस, पैरामेटोबोलस का क्या मतलब होता है बेटा, दैट इट गोज लाइक वेरी स्लो एंड इंस्टार्स में होती है, इसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है इंस्टार, द फर्स्ट इंस्टार, द सेकेंड इंस्टार, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते करते इसके 13 इंस्टार्स होते हैं, मतलब 13 मोल्टिंग्स होती हैं इसकी, क्या होती हैं बेटा, 13 मोल्टिंग्स होती हैं, 13 मोल्टिंग्स होती हैं, उसके बाद में तभी पहला जब ये हैच होता है फिर ये निम्फ होता है ना, तो फीमेल ऊथीका को वहाँ पे हैच करती है जहाँ पे इसको अच्छी फूड की सप्लाई हो, सब कुछ अच्छे से मिले उसको, खाने वाने को अच्छे से मिले कि जब ये मैच्योर होकर निकले उसको खाने के पास इसके पास अच्छा हो, फिर उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस जो है वो शुरू होती है, 13 मोल्टिंग्स या 13 इंस्टार्स कहते हैं इसको, 13 इंस्टार्स कहते हैं इसको, ठीक है बच्चे। और इसकी खासियत क्या है, हाँ, निम्फ, निम्फ इज द मतलब जो न्यूली हैच स्टेज है, जो सबसे छोटी स्टेज है, ठीक है, और जैसे जैसे करते करते आगे निकलता जाता है बेटा, एंड वैसे वैसे करके ये क्या मैच्योर बताता है, द क्वेश्चन विच कम्स इनटू मेटामॉर्फोसिस, एक्सप्लेन कर दो बेटा मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लार्वा बिकम्स एन अडल्ट, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बाई विच अ लार्वा बिकम्स एन अडल्ट एंड गोज थ्रू लाइक
वेरियस बिग बिग चेंजेस है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि क्या ना, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का ये मतलब होता है कि लार्वा बिकम्स एडल्ट, है ना, लार्वा बिकम्स एडल्ट थ्रू द वेरी हाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होके दूर जाता है. 13 द लास्ट स्टेज जो होती है बेटा, इसका कहते हैं कि जो विंग पैड्स हैं ना इसके, वो लास्ट इंस्टार में आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल 12th इंस्टार में आएंगे वो, तब वो 13 इंस्टार में जाके वो क्या उसके विंग्स जो हैं वो आना शुरू होंगे. अब तुम देखो ना, नेचर इतनी मेहनत थोड़ी करेगा, हर बार वो बनता है हर इंस्टार में, फिर वो स्किन शेड करता है. मोल्टिंग क्या होता है? स्किन शेड करना. मोल्टिंग होता है स्किन शेड करना. हर एक में बनेगा, फिर स्किन शेड करेगा, 2 में करेगा, 3 में करेगा. इसलिए नेचर क्या करती है, उसको विंग पैड देती ही लास्ट इंस्टार में. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म, द नेक्स्ट टू लास्ट, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब कि 13th जो है स्टेज है, हैज विंग पैड्स, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव द विंग्स. अडल्ट कॉकरोचेज में ही विंग्स होते हैं, निम्फ्स में विंग नहीं होते हैं. तो निम्फ्स दे डू नॉट हैव विंग्स, इनके में विंग्स नहीं होते हैं, सिर्फ एडल्ट कॉकरोचेज में विंग्स होते हैं. निम्फ की लास्ट स्टेज में विंग पैड्स होते हैं. विंग पैड मतलब छोटे छोटे, मतलब डिजिट्स काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो होते हैं. डन. तो आई थिंक यहाँ पे आपका हो जाता है ये समाप्त, और हमारा 10 बजे ख़त्म हो गया. क्वेश्चंस डालूंगी आपको, सोने से पहले डाल दूंगी, मुझे नहीं पता अभी खाना खाऊंगी, बस बहुत भूख लग रही है. तो पैरा मेटाबॉलिक उन्नति मैं बता देती हूँ. डाउट्स पूछो आगे, हमारे पास 5 मिनट हैं, तुम डाउट पूछो. किसी को डाउट पूछना है आज के लेक्चर में से वो पूछो. आज का लेक्चर समझने वाला कम, याद करने वाला ज़्यादा है, याद रखना इस बात को. उन्नति, पैरामेटाबॉलिस होता है कि धीरे धीरे होना, लाइक यू नो, लाइक इंस्टार में प्रेजेंट होता है. द फर्स्ट इंस्टार, उसे पहले स्किन आती है फिर निकल जाती है. द सेकेंड इंस्टार, फिर आती है फिर निकलती है. ये बहुत धीरे होता है प्रोसेस, बहुत लंबा होता है ये प्रोसेस, ठीक है. मैं देख लेती हूँ वैसे अपने नोट्स में कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, दैट आई विल सी. ठीक है ना. अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. हाँ, हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर फर्मेंटेशन, किस चीज़ की फर्मेंटेशन बेटा. अब यहाँ आज के इससे क्वेश्चन पूछो, आज से इसके क्वेश्चन पूछो. हाँ, और कुछ. नो विंग्स इन इंस्टार्स, नो बेटा दीप्रा, नहीं, कोई इसमें नहीं होता है. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या होता है, PMNL क्या होता है, राकेश, रमेश, PMNL बेटा देखो, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर मतलब कि जिस ल्यूकोसाइट के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये होता है ना PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. कौन सा होता है आपका, आपका होता है न्यूट्रोफिल्स. ईओसिनोफिल्स के तो 2 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं. बेसोफिल्स के 3 लोब्ड होते हैं. न्यूट्रोफिल्स के मल्टी लोब्ड होते हैं. तो PMNL उसको बोला, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. और बताओ. आज के इसमें मैम कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट ऑफ द कॉकरोच में. अरे खाली पूछने के लिए नहीं पूछना है, 13 चैम्बर्स होते हैं, ये तो पता हो गया ना. स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम होता है बेटा 2 इंस्टार्स के बीच का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट इंस्टार एंड द सेकेंड इंस्टार, स्टेडियम. द सेकेंड एंड द थर्ड इंस्टार, स्टेडियम, स्टेडियम उसको कहते हैं. हाँ, स्यूडो मेटाबॉलिस तो मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, और ऑनेस्टली मैंने सुना भी नहीं है, तो मैं आपको ही बोलूँगी इसे दूर ही रहो, बिकॉज तुम्हारी बुक में नहीं है, तो छोड़ो इसको, है ना, बाद में इसको देख लेंगे. स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स होते हैं स्पर्म पैकेट्स. जैसे कि ह्यूमंस में ना स्पर्म्स जो है ऐसे ही रिलीज होते हैं सीमन की फॉर्म में, इनमें जो है सीमन नहीं होता, तो वो स्पर्म के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं. बिकॉज फीमेल को बचा के रखना पड़ता है, उनको काफ़ी लंबे समय तक अपने में स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है. मैम ऊथी का सिक्रीशन ऑफ द कॉलिटीरियल ग्लैंड, वो उसकी लेयर बनाता है, क्योंकि ऊथिका को अगर सोचो फीमेल जो है एग को ले करने जा रही है बाहर, तो ऊथिका मतलब एनकेसिंग है, तो उसकी एनकेसिंग बनाने में कोई तो हेल्प करता होगा, कॉलिटीरियल ग्लैंड उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कॉलिटीरियल ग्लैंड उसकी हेल्प करते हैं. स्टेडियम बता दिया सुमित, थोड़ा पीछे करके देख बेटा, उसमें मैंने बता दिया है उसको, ठीक है, डन डन है ना. अच्छा, और कुछ पूछना है पूछो. आई थिंक बाकी हमने कवर कर लिया सारा. अभी 2 मिनट है आपके पास में, फटाफट से पूछना है तो पूछ लो, देन आई एम गोइंग टू गो. हाँ जी,
ठीक है ना, डन आज के लेक्चर में से। ए तुम तो फिर यार लिजर्ड, ये छिपकली, सांप, ये सब कुछ पूछने लग गए तो ऐसे कैसे चलेगा यार। ठीक है, हाँ टिटिलेटर भी, टिटिलेटर आपने सही क्वेश्चन पूछा है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। टिटिलेटर भी एक ऑर्गन है, बेसिकली दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन है। एक बार फिर चेक कर लेती हूँ, दिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ओनली, टिटिलेटर उसी को कहते हैं। हाँ मतलब यही लिखा हुआ है, टू टूल्स टू स्टिमुलेट द फीमेल्स एंड एक्यूरेटली प्लेस द स्पर्मेटोफोर, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ओनली। ठीक है ना, बता दिया बेटा, अभी पैरामोटिबुलस बता दिया, अगर आप इसको थोड़ा पीछे करके देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, डन है। क्वेश्चन डाल रही हूँ किस पे, ये आपके आज के नोट्स भी शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे नीड विद मीनाक्षी मैम पे, और आपको कॉकरोच भी, मैं आपको कॉकरोच कह रही हूँ, क्वेश्चन भी डालूंगी। हाँ जी ठीक है ना, समझ में आ गया। पैरामेटाबोलिस मैं बता दिया, डॉक्टर आरती बेटा स्पैम मत कर बेटा, पैरामेटाबोलिस कुछ नहीं होता, जिसमें बेटा कि इंस्टार होते हैं, पहले जैसे एग होता है, निम्फ होता है और अडल्ट बनता है। सबसे पहले एग तो सबको पता ही है ना, एग जब मैच्योर होकर जायगोट बनेगा, देन फिर वो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, देन जायगोट ब्ला ब्ला ब्ला, फिर देन वो निम्फ बनेगा, फिर निम्फ जो है अडल्ट बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस को बहुत धीमी चलती है, इसको पैरामेटाबोलिस कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद भी कोई डाउट बच जाएगा तो लिंक कह रही हूँ, अपना जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, राइट। कॉकरोच, हाँ कॉकरोच भी डालूंगी ग्रुप में, बिल्कुल डालूंगी। तो दैट इज इट गाइस, अभी हम अगला चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स करेंगे वन शॉट में, मंडे को 8:30 बायोमोलिक्यूल्स होगा वन शॉट में, तो सबने आ जाना है। मैं आपको एडवाइस करूंगी थोड़ा पढ़ के आना, बायोमोलिक्यूल्स बहुत लंबा चैप्टर है, हो सकता है कि कुछ एक दो इक्का दुक्का जो हम लेक्चर्स टॉपिक्स होंगे उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ। ठीक है, तो पढ़ के आना है। बाकी बच्चों, नीट 2022 का क्रैश कोर्स जो है, लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो मैं आपको फटाफट से, मैंने दिन में भी वीडियो डाली थी उसको भी ज़रूर देखना। ये इसके फीचर्स हैं बेटा, आपको लाइव टीचर पढ़ाएंगे, एंड दैट टू इंडियाज बेस्ट टीचर्स, जिन्होंने जो कि रैंक प्रोड्यूस किए हुए हैं। 10 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, 2000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 60 लाइव सेशंस होंगे, 1.5 घंटा पर सेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, डाउट सॉल्विंग ऐप होगी आपको सुबह 8 बजे से 11, आपको पता है ना डाउट सॉल्विंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास का मतलब क्या, लाइव टीचर की क्लास अटेंड कर रहे होंगे। कैसे मिलेगा बेटा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाके क्लिक कीजिए। कल से बैच शुरू हो रहा है, 6 जून से शुरू हो रहा है बेटा बैच, जो कि कल ही है। ठीक है ना, अगर आप लोग थोड़ा डिस्काउंट चाहते हो तो डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा MS Pro, मैम का कूपन कोड है MS Pro, आप लगा के उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो 10,000 का वैसे आपको 8100 में मिल जाएगा फिर। ठीक है, डन। तो थैंक यू मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 2023 का सेशन कब होगा, 2023 से वो मंडे होगा, मंडे सुबह 10 बजे। 2023 वालों का सेशन, मैम का जो सेशन है, मीनाक्षी मैम का सेशन होता है बेटा 10 बजे सुबह, 2022 वाले बच्चों का होता है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, 2023 मॉर्निंग 10 बजे और 2022 शाम को 8:30 बजे। ठीक है, चलिए। अर्थवॉर्म फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज उसको मत पढ़ना। ठीक है, चलो बाय, गुड।